हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या है, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का जो भाई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, बट इट इज गिवन दैट एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। यानी मैंने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट लिया, इसमें कुछ पार्ट्स है। इन ईच पार्ट वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, बट इट इज गिवन इन क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन में ही हमें गिवन है कि ये जो एक्स माइनस वन है, ये इसका इस पी ऑफ एक्स का क्या है, यानी भाई ये इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, यानी कैसे हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द रिमाइंडर ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू, यानी एट वन, एक्स इक्वल्स टू वन। तो जो वैल्यू इस पे आएगा दैट मीन्स इट इज द रिमाइंडर, बट इट इज इन क्वेश्चन दैट दिस एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ाया कि हम कब कहेंगे एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। यानी वन नंबर इज सेट टू बी द फैक्टर ऑफ अनदर नंबर इफ द फर्स्ट नंबर डिवाइड द सेकेंड नंबर एग्जैक्टली, दैट मीन्स रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे, पुट एक्स माइनस वन को किसके बराबर, जीरो के बराबर, दिखाई देता है, चलिए ऐसे लिखना है। हाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वन, आता है। हाँ, फिर क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट पी ऑफ वन, यानी आप क्या करेंगे, वन पे हम इस पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, डिटरमाइन, यानी इसका वैल्यू हम वन पे डिटरमाइन करेंगे। यानी पी ऑफ वन इक्वल्स टू, जहां पे अब एक्स है उधर तो हम क्या लिखेंगे, अब वन, यानी इट बिकम्स पी ऑफ वन इक्वल्स टू वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन, एक्स के बदले वन, प्लस क्या है भाई, प्लस है के। दिस इंप्लाइज दैट पी ऑफ वन इक्वल्स टू, इट बिकम्स वन, प्लस है वन, प्लस है के, इट बिकम्स टू प्लस के। तो ये बात तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ाया कि ये जो वैल्यू आया, वैल्यू दिस 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 इज इट्स रिमाइंडर, यानी ये इसका क्या है भाई, ये तो इसका रिमाइंडर है। बट इन क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट दिस एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, व्हेन दिस इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स देन, तो हम कहेंगे इसका जो क्या है रिमाइंडर, यानी इसका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा बेटा, यानी वो जीरो होगा। तो हम कहेंगे ये जो टू प्लस के है ये किसके बराबर है, ये भाई है जीरो के बराबर। ये किसके बराबर है, यानी ये तो बेटा है जीरो के बराबर, क्यों होगा जीरो के बराबर, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट सर, वाई दिस टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो, वट इज द रीजन बिहाइंड दिस, यानी सर यू पुट दिस टू प्लस के दैट इज इक्वल टू जीरो बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमें यही सिखाती है कि इफ वन पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल देन वी कैन से दैट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल इफ 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 रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो। दिस सिंपलाइज दैट ये जो के का वैल्यू है, यानी के ये क्या आएगा, ए आएगा बेटा माइनस टू। यानी अगर ये एक्स माइनस वन इस पी ऑफ एक्स का क्या है फैक्टर, तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू होगा बेटा यानी माइनस टू। तो इसके बाद हम एक और पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट
पार्ट नंबर सेकंड, इस पार्ट में यानी के का वैल्यू क्या आया, वो आया बेटा -2। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर पार्ट, यानी आप सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2। हाँ बेटा, पार्ट क्या है, P ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस k x प्लस स्क्वायर रूट टू। सेम प्रोसीजर, यानी बेटा हम वही प्रोसीजर इसमें करेंगे जो कि मैंने पार्ट नंबर 1 में किया है। यहां भी वही फंडा है, सेम कहानी है। इसमें भी x माइनस 1 जो है ये इस p ऑफ x का फैक्टर है। जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन इट्स रिमाइंडर, देन वी पुट द रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। व्हाई सर? बिकॉज वी नो इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन इट्स रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलीनोमियल बाय x माइनस 1। मगर हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया कि आप बताओ इस k का वैल्यू क्या होगा, यानी दिस k, व्हाट इज इट्स वैल्यू इफ दिस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल p ऑफ x। यस, सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिखाई देता है। चलिए, this implies that this implies that ये जो x का वैल्यू है, x इक्वल्स टू 1। सर why x इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब x को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, यानी RHS में, यहां तो ये प्लस है तो यहां क्या बनेगा, यहां तो LHS में माइनस है, it is in LHS 1 is minus, when we transfer minus 1 to RHS it becomes plus 1। now p of 1 equals to, it becomes 2 into 1, 1 के ऊपर पावर जो है 1 का, that is 2। why? because यहां जो x का पावर है, that is 2। फिर क्या है बेटा, फिर k को ऐसे ही रखेंगे, x के बदले 1 प्लस क्या है, प्लस है स्क्वायर रूट 2 दिखाई देता है। हाँ बेटा, दिस सिंबलाइज दैट पी ऑफ 1 ये क्या बनेगा, ए बनेगा सिर्फ 2, क्यों, 1 1 जा 1 2 1 जा 2, प्लस क्या है बेटा, प्लस है के प्लस है स्क्वायर रूट 2। वन मोर पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, क्या हम 2 और स्क्वायर रूट 2 को ऐड करेंगे, ना भाई, क्यों, ये तो इरेशनल है, ये तो रेशनल है, यानी ये जो 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आया, द वैल्यू इज 2 प्लस के प्लस स्क्वायर रूट 2, बट इन दिस पार्ट के इज अननोन, के का वैल्यू जो है वो हमें बेटा पता नहीं है, तो ये जो 2 प्लस के प्लस स्क्वायर रूट 2 है ये क्या आया, इसका ये इसका वैल्यू आया। मगर मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में भी पढ़ाया, ये पी ऑफ 1 जो है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ये 0 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है, तो हम कहेंगे 2 प्लस के प्लस स्क्वायर रूट 2 जो है ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर। फिर क्या करेंगे, k को LHS में रखेंगे, दोनों को भेजेंगे RHS में, ये तो भाई यहां है प्लस, ये बनेगा माइनस, ये क्या बनेगा, a बनेगा, यानी माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी हम क्या कहेंगे, यानी ये जो भाई है k का वैल्यू जो आया वो क्या आया, -2 माइनस स्क्वायर रूट 2। माइनस को क्या करेंगे, कॉमन, यानी वी टेक माइनस एज कॉमन, यहां क्या बचेगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी अगर ये x माइनस 1 पी ऑफ x का क्या होगा, फैक्टर होगा, तो हम कहेंगे k का जो वैल्यू है वो है माइनस इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर पार्ट, यानी पार्ट नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस, इट इज पार्ट नंबर 3। हाँ बेटा,
पार्ट नंबर थर्ड क्या है, दिखाई देता है, चेक करो। हाँ बेटा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट टू एक्स, दिखाई देता है कि नहीं, यस सर। प्लस है बेटा वन। सेम प्रोसीजर, सेम कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन इट्स वैल्यू एट वन, यानी इट इज गिवन इन क्वेश्चन एक्स माइनस वन, इसका है फैक्टर। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, पुट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, दिखाई देता है पूरा। तो दिस सिंपलाइज दैट एक्स को रखेंगे एलएचएस में, वन को भेजेंगे आरएचएस में, ए बनेगा वन। फिर क्या करेंगे, पी ऑफ वन यानी वन पे वैल्यू क्या आएगा, के को ऐसे ही रखेंगे, एक्स केवल है वन, ऊपर है पावर टू, फिर है माइनस स्क्वायर रूट टू इंटू वन, प्लस क्या है बेटा, प्लस है वन। फिर क्या करेंगे, पी ऑफ वन इक्वल्स टू, ये क्या है, दिस इज के इंटू वन दैट इज के, माइनस स्क्वायर रूट टू वन जा डेट स्क्वायर रूट टू, प्लस क्या है बेटा, प्लस है वन। प्लस क्या है यानी प्लस है बेटा वन। नाउ हमें पता है ये जो वैल्यू आया वन पे, ये इसका है रिमाइंडर, बट वी नो सिंस के माइनस स्क्वायर रूट टू प्लस वन दिस इज इक्वल टू जीरो। सर क्यों, व्हाई दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ये इसका भाई क्या है, यानी ये इसका फैक्टर है, यानी एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है। जब ये इसका फैक्टर है तो जो इसका रिमाइंडर है वो क्या होगा, डेट इज इक्वल टू जीरो। ये जो वन पे वैल्यू आया, दिस इज इट्स रिमाइंडर। व्हाई दिस इज इट्स रिमाइंडर, व्हाई व्हाई, बिकॉज बाई रिमाइंडर थ्योरम। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। फिर हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ के को रखेंगे यहां ही बेटा, इसको भेजेंगे एलएचएस में, ये यहां है माइनस, ये बनेगा यहां प्लस, और ये वन भी आएगा किधर, ये आएगा आरएचएस में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा यानी माइनस वन। यानी जब एक्स माइनस वन इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर, तो ये जो के का वैल्यू है, के का वैल्यू क्या होगा, ये होगा स्क्वायर रूट टू माइनस वन। एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, एक और पार्ट, यानी व्हेन एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, तो ये जो के का वैल्यू है वो के का वैल्यू क्या आएगा, यानी स्क्वायर रूट टू माइनस वन। हाँ भाई, एक और पार्ट है इसका, लास्ट वाला पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर थ्री का, पी ऑफ एक्स क्या है, यानी पी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। हाँ मैडम, दिस इज पार्ट नंबर फोर्थ। हाँ, क्वेश्चन नंबर थ्री का ये लास्ट पार्ट है, बट इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ये जो एक्स माइनस वन है, ये इस पी ऑफ एक्स का क्या है, ये इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो सबसे पहला पॉइंट, हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को पुट करेंगे जीरो के बराबर, इम्प्लाइज दैट यहां तो डिटरमाइन करेंगे एक्स का वैल्यू, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन बेटा। तो पी ऑफ वन यस, के को ऐसे ही लिखो, एक्स के बदले वन, ऊपर है टू, माइनस थ्री एक्स के बदले वन, यस, प्लस क्या है बेटा, प्लस है के। आप क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, यानी ये बनेगा पी ऑफ वन, इट बिकम्स के, सर वाई, वन वन जा वन, के वन जा के, माइनस थ्री प्लस क्या है बेटा, प्लस है के, यस। फिर क्या बनेगा, दिखाई देता है पूरा, शाबाश, पी ऑफ वन इक्वल्स टू, दिस इज वन के, दिस इज वन के प्लस वन के, दिस इज टू के, दिस इज 2k। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी हाउ वी डिटरमाइन
Now, the value of k, we know the value of 1, the value of this polynomial at 1. This is a remainder. This is remainder. Why this is remainder? By remainder theorem. But it is in given in question. This x minus 1 is a factor of p of x. When this is a factor, to ye jo remainder hai bhai, ye wala, yani 2k, dikhai deta hai, minus 3, this is equal to 0. Sir, why it is equal to 0? Kyunki ye to remainder hai. Haan sir, remainder hoga to phir kya ho? Phir kyun barabar hoga 0 ke barabar? Kyunki ye jo x minus 1 hai, ye is p of x ka factor hai. Simplify करेंगे, 8th में भी पढ़ा होगा, chapter number 2 में, linear equation in 2 variable में, no, 1 variable, equals to, 3 को करेंगे transfer to RHS, तो यह आएगा k का value, 3 upon 2, यानि k का जो value है बेटा, क्या, ये जो k का value है, ये क्या है बेटा, this is equal to 3 by 2, when x minus 1 is a factor of p of x. तो एक और क्वेश्चन इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.